हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका होस्ट कास, और आज की वीडियो के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लॉक्ड अकाउंट को किस तरीके से अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लेना, कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है सारे लॉक्ड अकाउंट वालों के लिए। ठीक है, तो जो भी मैं यहाँ पे कोडिंग बताऊंगा, जो मेथड बताऊंगा, इस मेथड को फॉलो करना और आपका अकाउंट जो है वो एक हफ्ते के या 10 दिन के अंदर में अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि इसी तरह की वीडियोस मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी चलते हैं ट्रिक की तरफ, लेट्स सी। तो देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है कि कोई भी ब्राउज़र में नहीं बोलूँगा मैं लॉगिन करने के लिए, आपको बोलूँगा मैं कीवी ब्राउज़र में लॉगिन करने के लिए। तो आपको क्या करना है, कीवी ब्राउज़र ये डाउनलोड कर लेना है, इसमें अपने लॉक्ड अकाउंट को ओपन कर लेना। ठीक है, जिनका भी इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है उनके लिए है ये वीडियो। ठीक है, तो ध्यान से देखना आपको क्या करना है। सबसे पहले आप जो रियल गेट स्टार्टर है ना, जिसमें यहाँ पे पिक्स होती हैं, पिक होता है, ठीक है, रियल गेट स्टार्टर की बात कर रहा मैं, तो उस आईडी पे भी आप ये ट्राई कर सकते हो, और मेरे को कमेंट में बताना कि ये जो ट्रिक है वो उस पे वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो ट्रिक है ये इस अकाउंट के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कि आपने कर दिया लॉगिन अपने अकाउंट को कीवी ब्राउज़र में। ठीक है, ऊपर में क्या करना है, इसमें देखो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे गाइडेड हेल्प आ रहा है, गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आपको गाइड करेगा कि आपका अकाउंट हैक हुआ है तो वो क्या आगे का प्रोसेस हो सकता है, लेकिन इससे हमें कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि वॉज दिस हेल्पफुल, यहाँ पे करो नो, नो करने के बाद यहाँ पे करो द सॉल्यूशन डज नॉट वर्क, और यहाँ पे फलाना डेम का लिख दो अपने अकाउंट का डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह, तो यहाँ से हो जाती है। तो ये सब कुछ नहीं होता है यहाँ से। ठीक है, तो और ये ट्रिक मैं कभी भी नहीं लेने लाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ये ट्रिक ट्रेंड चल रहा है कि नो कर दो और डिस्क्रिप्शन लिख दो, अकाउंट हो जाएगा सबमिट करके, उसके बाद ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, तो ये नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो मैं व्यूज़ लेने के लिए कभी इस पे तो कभी वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो बैक आना है आपको, चलते हैं अब अपनी मेथड की तरफ। तो सबसे पहले ऊपर में लिंक में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, जहाँ पे URL होते हैं, और यहाँ पे लिखना है d.facebook.com। ठीक है, इस तरीके से लिख के आपको सर्च करना है। सर्च करते हैं, हमारा यूज़र इंटरफेस चेंज हो जाएगा फेसबुक अकाउंट का। ठीक है, तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर फिर से ऊपर URL में जाना है। तो कीवी ब्राउज़र में क्या है, शायद मेरे में ये प्रॉब्लम है या आप में भी ये होगा, कि कीवी ब्राउज़र में क्या होगा, जब भी क्लिक करोगे तो ऊपर में URL गायब हो जाती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है अपने URL को, यहाँ कॉपी करके फिर यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, क्या करना है आपको सेकंड स्टेप में, आपको यहाँ से &RDR, देखो &_RDR, ये जो चीज़ है ना, इसको आपको डिलीट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, &face=unauthenticated। ठीक है, unauthenticated। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये सही है या नहीं, @face=unauthenticated। ठीक है, सही है, अभी देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर से करेंगे। यहाँ पे इसको सर्च करना है, ये मैं कॉपी करके आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, इसको जब सर्च करोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारे अकाउंट को। अब क्या करना है, फिर से ऊपर आना है, फिर से इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। तो इस बार देखो लास्ट में क्या आ गया, @face=unauthenticated आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें सबसे आगे में जाना है, स्टार्टिंग में जाना है आपको। ठीक है, स्टार्टिंग में जाने के बाद वहाँ पे देखोगे आप, एक ऑप्शन रहता है इंट्रो का, इंट्रो को आपको रिमूव करना है, और वहाँ पे जो मैं वर्ड बता रहा हूँ उसको लगाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में चले जाते हैं, यहाँ पे आगे हम टोकन के बाद पहले ही है इंट्रो, इस इंट्रो को डिलीट करता हूँ मैं। ठीक है, इस इंट्रो को डिलीट किया मैंने, और यहाँ पे STEPPER स्टेपर करके सर्च करना है। जैसे स्टेपर करके सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो गया, आ जाएगा आपके सामने। और यहाँ पे जो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, तो यहाँ पे अब ऑप्शन आने लगे हैं, अभी देखो आएगा, अभी 50% ही हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा confirm that this is your account। ठीक है, और यहाँ पे इस ये इंटरफेस जहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको रुक जाना है इस इंटरफेस पे। यहाँ पे आपका क्या करना है, आपको ऊपर में लिंक पे जाना है और इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब ऊपर URL में पेस्ट नहीं करना है, इसको क्या करना है आपको, कहीं पे भी आगे कहीं पे पेस्ट कर सकते हो जहाँ पे आपको अच्छा लगे, क्योंकि इसके बाद जो स्टेप बताऊँगा मैं, उसमें दो लिंक्स को कनेक्ट करना है, दो लिंक्स को कनेक्ट करना है। ठीक है, ऐड करना है दो लिंक्स को एक में। तो देखो क्या करता हूँ मैं, कि आपको इस लिंक को मैं कभी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया कि नोटपैड ओपन किया अपना, और नोटपैड में ये मेरे URL का जो अकाउंट का URL है ना, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, आप देख सकते हो ये चीज़। ठीक है, अब क्या करना है कि मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक को कॉपी करना है आपको, ये रहा लिंक, ये आपको जहाँ पे मिले इसको कॉपी कर लेना। इसको कॉपी करने के बाद नीचे आना है अपने फेसबुक अकाउंट का जो URL था उसमें। ठीक है, यहाँ पे आप जब आ गए तो यहाँ पे देखोगे टोकन इज इक्वल टू लिखा है यहाँ पे, उसके बाद से जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं वो लिखे हैं।
तो यहाँ पे भी टोकन इज इक्वल टू तक ये लिंक था HTTP करके। तो अब क्या करना है, वो HTTP करके टोकन इज इक्वल टू तक सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो अभी देखो हमारा IDR इंट्रो और टोकन इज इक्वल टू ये वाला चीज़ जो है, हमने इसको उठाया लिंक को और इसके आगे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक न्यू URL बन चुका है। अब क्या करेंगे, हम इस पूरे को कॉपी करेंगे इस तरीके से। और हाँ, क्या करना है कि आपको एंड RDR इसमें याद रखना हमेशा, एंड RDR जो है ना इसको छोड़ देना है, यहाँ से उसके पहले तक का कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस आना है। वापस आने के बाद यहाँ पे देखो ये इंटरफेस ओपन था। अब ऊपर में जाना है लिंक में, URL में जाके इसको पेस्ट कर देना है और सर्च कर देना है। जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो हमारा इंटरफेस चेंज होके फुल्ली आ गया हुआ है ईमेल एड्रेस पे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट करना है आपको, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सारे स्टेप्स पता हैं इसके बाद क्या करना है आपको। आपको कोई भी एक मेल जो है वो यहाँ पे मेल ऐड कर देना है, जिसपे कि आपको फेसबुक जो है वो रिप्लाई भेजेगा। यहाँ पे कंटिन्यू करना है। उसके पहले क्या करना है आप, यहाँ पे आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है और हमेशा से ही करना है और चेक करना है, सभी को बोल रहा हूँ मैं, उनका ये प्रॉब्लम हो या फिर ना हो या फिर अपना दूसरा प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट उनका कंफर्म योर आइडेंटिटी आ जाता है मेल डालने पे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, OTP आउट करके जो इस ऑप्शन को हमेशा चेक करना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको ऑफ कर लेना है और यहाँ पे अगर ना इसको ऑन ऑफ करना है, एक बार तो ऑन ऑफ जरूर करना है। ऑन ऑफ करने से क्या होगा कि हमारा जो भी आपने प्रूफ अपलोड किया होगा, वो जो पुराना प्रूफ हो गया होगा, वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और फिर आपको नेक्स्ट प्रूफ डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे मैं इसको ऑफ करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। तो अगर इन्होंने डिलीट किया होगा तो देखो डिलीटेड है। कोई भी हमारा 2 ID स्टोर है, मतलब कि इन्होंने रिसेंटली 2 ID स्टोर किया है, ठीक है, पुराना नहीं है। तो ये चलो ठीक है, इतना आपको हमेशा स्टेप फॉलो करना है। अब बैक आना है, बैक करने के बाद नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे प्रूफ अपलोड करना है, ठीक है। अब प्रूफ देखो, प्रूफ दो तरह की होती है प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे देखो दो तरह की प्रूफ होती है, ठीक है, दो तरह की प्रूफ होती है। एक होती है, पहली होती है ना कि आपको, पहली होती है जो, वो होती है फेस होल्डिंग। फेस होल्डिंग मतलब कि फेस के साथ आपको आधार कार्ड को पकड़ के क्लिक करना होता है सेल्फी, ठीक है। और दूसरा होता है हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग मतलब कि हाथ में पकड़ के, ठीक है, हाथ में पकड़ के आपको प्रूफ को क्लिक करना है। तो दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो, जो करोगे आपको एक्सेप्ट होगा। तो आप क्या करोगे, हाथ में अगर मेल प्रूफ है तो मेल, ठीक है, अगर आपका मेल आईडी है तो मेल प्रूफ लेना, अगर आपका फीमेल आईडी है तो फीमेल प्रूफ लेना, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अब लेने के बाद आपको हाथ में पकड़ के क्लिक कर लेना है। किसी का भी प्रूफ हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि अकाउंट से मैच होना चाहिए, आपको कोई भी प्रूफ चलेगा, बस हाँ रियल होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए और रियल कैमरे से होना चाहिए, डे लाइट में होना चाहिए। ये चार चीज़ हमेशा ध्यान रखना। आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाके यहाँ पे चूज़ करके यहाँ पे अपलोड कर देना है आपको, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, जब अपलोड हो जाएगी पूरी चीज़ है तो यहाँ पे देखो ऊपर का हेल्प का ऑप्शन दे रहा है, हेल्प पे जाके आपको सिंपल से और यहाँ पे इसको चीज़ को लॉग आउट कर देना है, ठीक है। वहाँ पे जब आप सबमिट कर लोगे, लॉग आउट करने के बाद आपको क्या करना है कि छोड़ देना उसको 6-7 दिन तक, और 7 दिन छोड़ने के बाद आपको दूसरे फ़ोन में दूसरा वेबसाइट ओपन करना है तो हमारा ऑप्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ पे भाई मैं तो इससे नॉर्मली भी 10 दिन छोड़ूंगा तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा। नहीं भाई, नहीं होते हैं ऑप्शन चेंज। आप नॉर्मली भी छोड़ के देखो 7-10 दिन, ऑप्शन चेंज नहीं होगी जब तक ये स्टेप फॉलो नहीं करोगे। जब तक आप उसमें कुछ अकाउंट में अपने इंटरेक्ट नहीं करोगे तो फिर कहाँ से वो ऑप्शन चेंज करेगा, जैसा पड़ा है वैसे पड़ा रहेगा हमेशा। आप 1 महीने बाद खोलो या फिर 2 महीने बाद खोलो, बहुत रेयर केस में 5% केस में वो 1-2 महीने बाद अगर ओपन करते हो तो वहाँ पे ऑप्शन चेंज कर देता है, वो भी दूसरे ब्राउज़र से ओपन करोगे तो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जिन भी लोगों का प्रॉब्लम है अकाउंट में, फेसबुक अकाउंट से रिलेटेड या फिर जिस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेरे को आप इंस्टाग्राम पे आकर फॉलो कर सकते हो यहाँ पे, और फॉलो करने के बाद मेरे को DM कर सकते हो कि भाई मेरे को ये अकाउंट ओपन करानी है, मेरे को ये हेल्प चाहिए, वहाँ पे मैं हेल्प करूँगा जितनी हो सके। और जो भी पेड हेल्प होगी, जो पेड करता हूँ मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ क्लियरली, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे पेड हेल्प करता हूँ, तो मैं पेड ही लूँगा, ठीक है। जितना भी चार्ज होगा मैं बता दूंगा, वहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और जो फ्री में हेल्प जितनी भी हो सकती है, फ्री में हेल्प मैं YouTube भी करता हूँ, और फ्री में हेल्प वहाँ पे होगी तो वहाँ पे भी मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अगर वर्क करूँगा तो वहाँ पे मैं आपको पेमेंट लूँगा, तभी वर्क करूँगा, ठीक है। तो जिसको भी प्रॉब्लम है, जो भी आ जाना, हर तरह की यहाँ पे हेल्प होगी आपको। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। आज के वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।